हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर वॉल्यूम। यानी कि अगर हमें किन्हीं दो वस्तुओं को कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर दो बच्चों को खड़ा कर दिया जाए और आपको बोलो उनको कंपेयर करो, तो आप उनके रंग के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग आप उनको कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर हमें किसी सेम दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके अंदर कुछ वॉल्यूम है, यानी कि कुछ मात्रा में उसके अंदर कुछ सामान है, कुछ भरा हुआ है, तो आप उसको कैसे कंपेयर करोगे। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको चार बातें याद रखनी है कि एम्प्टी मीन होता है खाली, फुल यानी कि पूर्ण यानी कि भरा हुआ, मोर मीन्स ज़्यादा और लेस मीन कम। जैसे हम बात कर लेते हैं, वी हैव टू ग्लासेस, दिस वन इज फुल एंड दिस वन इज एम्प्टी। यानी कि एम्प्टी मीन्स ग्लास हैज नथिंग, ग्लास में क्या है, कुछ नहीं है। और फुल मीन्स ग्लास हैज समथिंग, यानी कि ग्लास में कुछ है और वो क्या है, फुल है, यानी कि ग्लास पूरा भरा हुआ है। तो दोनों ग्लास को अगर हम कंपेयर करते हैं तो विच वन इज एम्प्टी एंड विच वन इज फुल, आप इजिली इसको बता सकते हो। तो इनकी वॉल्यूम क्या है, यानी कि इसमें कुछ नहीं है और इसमें कुछ भरा हुआ है। फिर हम बेटा बात कर लेते हैं यहाँ पर मोर और लेस। मोर मीन्स जैसे आपको पता है ज़्यादा, लेस मीन कम। तो लुक एट दिस टू ग्लासेस ऑफ ड्रिंक, दिस ग्लास हैज मोर वाटर एंड दिस ग्लास हैज लेस वाटर, या ड्रिंक हम बोल सकते हैं। तो मोर मीन्स ज़्यादा और लेस मीन कम, यानी कि जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो विच ग्लास हैज मोर ड्रिंक, दिस वन ग्लास हैज मोर ड्रिंक एज कंपेयर टू दिस वन। लेकिन अगर हम बात करें इन तीनों ग्लासेस में, अगर हम बात करते हैं तो विच ग्लासेस हैज वन, तो हम देखते हैं ये ज़्यादा बड़ा भी है और ये पूरा भरा हुआ है। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो विच ग्लास हैज मोर, दिस वन हैज मोर। तो जो हमारा बेटा वॉल्यूम को हमने कंपेयर करना है, वो कैसे कंपेयर करना है, या तो एक खाली है भरा हुआ है या मोर है या ज़्यादा है, इस प्रकार हम इनको कंपेयर करके इजिली हम बता सकते हैं।